सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको सुमेधा से पाठ एक के अभ्यास कार्य का रिवाइज करवाएंगे। यहाँ देखिए, यह है आपका अभ्यास, ये अभ्यास कार्य है, पेज नंबर है 14, प्रश्न नंबर एक लिखित, पाठ है विषय मूल्यांकन, यानी पढ़े हुए विषयों का मूल्यांकन, जो लेसन हमने पढ़ा है, जो हमने पाठ पढ़ा है उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी उसको समझेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में पहुंच गई हैं और कैसे आप आंसर करते हैं। ठीक है, ये है लिखित, यानी इसको लिखकर हमें करना है। ओके, एक होता है मौखिक, एक और लिखित, तो इसे हमें लिखना है। ठीक, नंबर वन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क, झिलमिल झिलमिल तारे कहते, झिलमिल झिलमिल जो कविता हमारी पीछे की है उसमें से हमें लिखना है, ढूंढना है कि कविता में कौन कौन सी लाइनें दी गई है। ठीक है, जो लाइनें दी गई हैं उन्हीं से हमको इसको फिल करना है, भरना है, रिक्त स्थान को भरना है कविता को पढ़कर। ठीक, झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना, लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना, करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। कविता की दो दो पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं, एक एक पंक्तियां कंप्लीट की गई है, उसको आपको भी करना है। दो नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, इस तरीके से टिक लगाना है आपको, सही का चिन्ह लगाना है। क, कलम हमें क्या सिखा रही है, पिछली कविता में हमने पढ़ा था कि कलम हमको क्या सिखाती है, और मैंने आपको पेंसिल से दिखाया भी था कि कलम हमको क्या सिखाती है, लिखना। तो हम यहाँ पर लिखना में टिक लगाएंगे इस वाले सर्कल पर, इस वाले पेज नंबर पर। देखिए, पेज नंबर है आपका 15, अंतिम दम तक हमें क्या करना चाहिए, परिश्रम, आराम या फिर मजदूरी, जो भी करना चाहिए उस पे आपको टिक लगाना है। तो हमें परिश्रम टिक लगाना है, तो हमें परिश्रम करना चाहिए। लहर लहर लहरें सिखलाती हैं, क्या करना, लहराना, झुकना या फहराना, लहराना। घ, गगन में जाकर किसे नहीं भूलना चाहिए, सूरज को, धरती को, पहाड़ को, धरती को, सही मिलान कीजिए। इसमें आपको स्केल रख कर सही से मिलान करना है, मैचिंग करना है। क, पहाड़, सदा, गगन, दम, धरती, यहाँ पर इन सबके अर्थ लिखे हुए हैं, अर्थ से मिलाना है। जैसे पहाड़, पहाड़ से होता है पर्वत, सदा, हमेशा, गगन, आसमान, दम, सांस, धरती, आपकी धरती होती है भूमि। ठीक है, अब नंबर फोर, चार सरल शब्दों में अर्थ लिखिए। जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, जीवन का उद्देश्य प्रगति तथा विकास करते हुए नई उपलब्धियों को प्राप्त करना है, नई मंजिलें पाना, यानी नई उपलब्धियों को प्राप्त करना है। पहुंच गगन में जाओ तुम, पर धरती नहीं भुलाना। जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचने पर भी अपनी धरती, माता पिता और गुरु को कभी ना भूलें। यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहाड़ हमें क्या सीख दे रहे हैं, ये प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करेंगे, कॉपी में, तो इसको अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना है, कॉपी में करेंगे, ये वाले हमें वर्क करना है नोटबुक का। आगे देखिए, अगला पेज नंबर है 16, यहाँ पर देखिए, ये सोचिए समझिए और कीजिए, आपको पढ़ना है और सोचना है इसके विषय में। आपके आसपास उपस्थित वस्तुएं जो आपको किसी भी रूप में प्रेरणा देती हैं उनके बारे में लिखिए, अपने पास में जो भी, उसके बारे में आपको सोचना है, अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरणा दे रही हैं, आपके आसपास हैं। नंबर दो पर है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर चित्र देखना है और यहाँ से चूज करके हमें इसमें
फिल कर देना है। ठीक है, ये देखिए खेल रहा है तो खेलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे, तैरता है, नहाता है, नाचती है, दौड़ती है, पढ़ता है, खेलते हैं। यहाँ खेलते हैं, नहाता है, दौड़ती है, नाचती है, लिखता है, तैरता है। ठीक है, इस पेज पर देखेंगे चित्र देखकर दिए गए प्रश्न नंबर 3 है। ये चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब यहाँ देखना है, ये चित्र है और चित्र में 2 बच्चे बने हुए हैं, कोयल बैठी हुई है, पेड़ है, फूल हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, नदियाँ हैं पास में पीछे। अब इसे देखना है कि क्या है ये कहानी, कविता की पंक्तियाँ। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कुछ गाना हंसना डालियों, झुकाना, सीखो, मिलाना, फूलों से सीखो हर पल हंसना, फूल हंसते हैं ना, कोयल से सीखो हर पल गाना, कोयल गाने के लिए प्रसिद्ध है, कोयल गाती है मीठा, वृक्षों की झुकी डालियों से सीखो, फूलों से हर पल सीखे क्या हंसना, कोयल से सीखो हर पल गाना, वृक्षों की झुकी डालियों से सीखो सबके सम्मुख शीश झुकाना, दूध और पानी से सीखो सब लोगों से मिलना और मिलाना। यहाँ पर आपके शब्द दिए हुए, इन शब्दों को ही ढूंढ कर इसमें आपको भरना है। ओके, यहाँ पर मौखिक दिया हुआ है, उच्चारण कीजिए, पहाड़, परिश्रम, झिलमिल, अंधकार, पुस्तक, उद्देश्य, मंजिलें, पहुंच, ये आपको पढ़ना है। अब इन प्रश्नों को भी आपको सोच कर प्रश्नों के उत्तर बताइए, इसको लिखना नहीं, केवल दिमाग से सोचना और बताना है। हमें कैसी सीख लेनी चाहिए, आप अगर चाहें तो इस यहाँ पर इस तरीके से उत्तर डाल कर और लाइन स्केल से करके उसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं। हमें कैसी सीख लेनी चाहिए, अच्छी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेहनत, और क्या मेहनत। ठीक, तो दोनों आंसर आपके इस तरीके से ये भी पूरे हो गए। ठीक, आओ वार्तालाप करें, प्रस्तुत कविता को याद करके कक्षा में सुनाइए। आपको इस कविता को लर्न करना है, याद करें। ये आपका गृह कार्य, यानी आपको कविता को याद करना है, ये आपका गृह कार्य हो गया। ओके, ठीक है बच्चों, अब आपकी फर्स्ट चैप्टर का जो है ये फिनिश हो गया है। अब हम अगले में आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे यहाँ पर, पंडित भोलानाथ। ठीक, ओके, बाय।